दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित के घर से निकल रहे हैं दो कार्यकारी अध्यक्ष राजेश लोटे हारून जी। राजेश जी बताइए किस बाबत ये बैठक हुई है। हम लोग कैंपेन किस तरीके से करेंगे उसके ऊपर स्ट्रैटेजी बनाई गई है। अच्छा, और देखते हैं अभी, और अभी मीटिंग्स होनी है और कुछ, तो उसके बाद में आपको डिटेल्स में बताएंगे। कैंपेन के ऊपर बातचीत हुई है या इसके अलावा गठबंधन पर भी बातचीत हुई है? नहीं, गठबंधन क्योंकि मैम सुबह राहुल जी से मिलकर के आई हैं। अरे देखिए, अब वो राहुल जी से मिलकर आए हैं तो नाउ वी हैव लेफ्ट ऑल द डिसीजन टू राहुल जी, ठीक है। बट लेकिन ये है कि पार्टी के इंटरेस्ट में जो भी बात होगी, नाउ द हाई कमांड इज गोइंग टू टेक अ कॉल ऑन इट। अच्छा, मैम ने अभी क्या बात की आप लोगों से? तकरीबन पौने घंटे आप लोगों की बैठक हुई है। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल बातें तो उम्मीदवार तैयारी, हाँ वो सब डिस्कशन हुआ। सातों सीटों पर डिस्कशन किया? देखिए, हम तो पहले दिन से सातों सीटों के ऊपर हमारी तैयारी पूरी है। अब लेकिन उसके बावजूद फिर क्या सिचुएशन बनती है, क्या होता है, वो राहुल जी इज गोइंग टू टेक। अभी मैम ने आप लोगों से सातों सीटों पर तैयारी करने के लिए कहा है कि तीन सीटों पर तैयारी करनी? देखिए, मैंने बोला सातों सीटों पर हमारे पास में उम्मीदवारों की कमी नहीं है, जीतने वालों की कमी नहीं है, ये तय है। अभी मैम ने सर आप लोगों से क्या बात की है? देखिए, शी इज अ लीडर ऑफ कोर्स। यहाँ पर दिल्ली के अंदर सात सीटें हैं तो सातों सीटों के लिए हमको मजबूती से काम करना है। तो गठबंधन का कोई जिक्र नहीं हुआ है, केवल तैयारी पर बात? मैंने बोला गठबंधन के ऊपर, सी दैट इज विद द कांग्रेस प्रेसिडेंट, ओके, राहुल जी के पास में है मसला। Now he's going to take a call on it. कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश लोटिया, साफ तौर पर इनका यह कहना है कि गठबंधन की सारी जो बातचीत है वो कांग्रेस आलाकमान के हवाले कर दी गई, उन्हें ही निर्णय लेना है। अब वो सिर्फ और सिर्फ जो शीला दीक्षित ने यहाँ पर है कांग्रेस की तैयारियों के मुद्दे पर बैठक बुलाई थी।